अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक और सवाल था कि मैं यहाँ पे शिप पे काम करता हूँ, तो यहाँ पे जो जो भी खाने पीने का सामान है तो हम बाहर से ऑर्डर करते हैं और स्टोर कर देते हैं फ्रिज में। तो उसमें चिकन भी आता है, मटन भी आता है, कटा हुआ होता है, तो क्या वो खाना जायज़ है या नहीं? क्योंकि वो हलाल या हराम में पता नहीं है, और उसके पैकिंग के ऊपर हलाल का स्टैम्प होता है, पर वो सच में हलाल है या हराम में पता नहीं, तो क्या वो खा सकते हैं? ये एक भाई साहब का सवाल है। ये शिप में शायद काम करते हैं। इनका कहना है कि इनके पास जो मटन आता है तो पता नहीं वो हलाल है हराम, हम उसको खा सकते कि नहीं। लेकिन भाई साहब ने एक बात और भी कही है कि उस पर कुछ स्टैम्प होता है, मोहर लगी होती है कि हलाल है, यानी उस पैकेट पे लिखा होता है कि वो हलाल है। शायद उसके जबीहे के बारे में लिखा हो कि किस तरह से ज़बह किया है। कभी कभी लिखा होता है पैकेट में जुबह आला तरीक़तुल इस्लाम वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो अगर उस पर बाकायदा लिखा है पैकेट पे कि इस्लामी तरीके के मुताबिक ज़बह किया गया है, हलाल है, तो बज़ाहिर तो वो चीज़ ठीक है, उसको आप खा सकते हैं। जब उसमें लिखा हुआ है, कुछ लोग ये शहादत दे रहे हैं कि ये इस्लामी तरीके पर ज़बह किया गया है, ये ठीक ठाक है, तो बिला वजह क्यों शक करेंगे उसमें? अगर कोई सबूत है, कोई प्रूफ है कि ये चीज़ मशकूक है या गलत लिखा हुआ है, ये जो खबरें दे रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, तो ठीक है, आप उसको किनारे कर दें, मत खाएं। लेकिन ऐसे ही अपने अंदर शक पैदा करना कि नहीं ये पता नहीं कहाँ से आया है, इस तरह के शक पैदा करेंगे तब तो आदमी अपने घर के अलावा कहीं एक लुकमा नहीं खा सकता है। आप होटल में जाएंगे, वहाँ पे मटन खाना होता है, चिकन खाना होता है, क्या सबूत है आपके पास कि ये मटन किस तरह से, कहाँ से आया है, किस चीज़ का है? तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोग ये गलत काम करते हैं। इतने लोग तो कुत्ते जबा करके खिला देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इम्कानात हैं, लेकिन बगैर पुख्ता सबूत के एक हलाल चीज़ को हम ये कह दें कि नहीं हराम है, ख़ास तौर से जबकि पैकेट पे लिखा हुआ है कि यह हलाल है, हलाल तरीके से ज़बह किया गया है, इन सब के बावजूद ये कहना ठीक नहीं है कि अपनी तरफ से शक पैदा करके और कहें कि हम इसको नहीं कहेंगे। हाँ, अगर कोई आदमी ऐसे ही अपने तौर से इज्तनाब करना चाहता है, मुतमईन है, ठीक है, इज्तनाब करें, लेकिन वो पूरी दुनिया वालों के लिए कह देने हराम है, तो ये ठीक नहीं है। आपका दिल अगर मुतमईन नहीं, आप मत खाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन कोई आदमी ऐसे एक उमूमी फतवा नहीं रिलीज़ कर सकता है कि भाई शिप पे जो भी गोश्त आता है, मटन आता है, आप उसको नहीं खा सकते, जबकि उस पर लिखा हुआ है, आप खुद कह रहे हैं उस पर लिखा हुआ है कि हलाल है। तो ऐसी कोई वजाहत मौजूद है, उसके बावजूद बगैर सबूत के हम कैसे कह देंगे कि वह हलाल और हराम है? तो बज़ाहिर यानी ज़ाहिरी जो चीज़ नज़र आती है वही देख कर हुक्म लगता है, अंदर जो है खोद बुरेद करके और अब ऐसे जन और तखमीन से, अपनी सोच से जो है कोई फैसला नहीं करेगा कि ये चीज़ हराम और नाजायज़ है। तो बज़ाहिर अगर ये दिख रहा है कि ये ठीक ठाक है, बाकायदा उस पर लिखा हुआ है, तो उस पर एतमाद करके खाया जा सकता है। कोई खा रहा है तो हलाल है, जायज़ है, खा सकता है, हम उसको नहीं रोक सकते। हाँ, जिसको सबूत मिल गया, जिसके पास पख्ता सबूत है कि ये चीज़ गलत है, गलत जगह से आ रही है, और जहाँ पे ऐसा हो रहा है तो वहाँ की हद तक, सिर्फ वहाँ की हद तक ये कहा जा सकता है कि वो हराम है, पूरी दुनिया वालों के लिए नहीं, हर शिप में नहीं। जहाँ अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है तो सिर्फ वहीं के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये चीज़ गलत है, बाकी पूरी दुनिया वालों के लिए नहीं कहा जा सकता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं खा सकता है। उम्मीद है कि आपका जवाब। ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को ज़रूर डोनेट करें।